चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार होली के पावन मौके पर भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लालादव निरहुआ की देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। जी हां, पहले दिन ने सिनेमाघरों में शेरे हिंदुस्तान का जमकर बवाल मचा। जी हां, आपको बता दें कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और कभी करीब सभी सिनेमाघरों में फिल्म को हाउसफुल का बोर्ड लगा नजर आया। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने पहले दिन का कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक फिल्म के निर्माता या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो जिस तरीके से सिनेमाघरों में हाउसफुल को बोर्ड लगा दिखाई दिया, उससे यह कहना अनिवार्य होगा कि फिल्म ने करीब पहले दिन 10 से 15 लाख रुपए से अधिक का बिजनेस किया है। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली डेटा नहीं है। जी हां, मुंबई के सिनेमाघरों में फिल्म का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखा गया तो वहीं बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा टिकटों का काफी मात्रा में ब्लैक देखा गया तो वहीं नेपाल के सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई करते हुई नजर आई। कुल मिलाकर कहा जाए तो शेरे हिंदुस्तान ने पहले दिन भोजप्रिया बॉक्स ऑफिस पर जम के उत्पात मचाया। आपको बता दें कि निरहुआ के दमदार डायलॉग से भोजप्रिया दर्शक सिनेमाघरों में जमकर सीटी बजाते हुए नजर आए तो वहीं नेपाल के खूबसूरत वादियों में निरहुआ नेपाली अभिनेत्री के साथ जोरदार रोमांस के साथ साथ जोरदार एक्शन पैक सीन करते हुए नजर आए जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ की शेरे हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का शेरे हिंदुस्तान देशभक्ति अंदाज कैसा लगा।